हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा बीजेपी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक पार्टी ने कई नामों पर चर्चा की। हालांकि हरियाणा के कुछ दिग्गज नेता जिनमें कैप्टन अभिमन्यु ओपी धनखड़ भी इसमें शामिल हैं कि किसी तरह वो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज हो सके, लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि ये सभी नेता विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। हालांकि उनकी पूरी कोशिश है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है कि हरियाणा में संगठन की कमान कौन संभालेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल पर आज सौगातों की बारिश की। इस दौरान सीएम ने करनाल में दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। उन्होंने दो सड़कों का उद्घाटन किया जिसकी लागत 1.2 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और वहीं उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जिसमें तीर्थों के नवीनीकरण और सौंदर्य का काम शामिल है। इसके लिए करीब 1.4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और वहीं बजट पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि इस बार का बजट जनता का बजट होगा। इसके साथ ही उन्होंने करनाल में पुलिस विभाग में हुए 4 लाख के घोटाले पर बोलते हुए कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। गृहमंत्री अनिल विज ने बारिश पठान के बयान के बहाने ओवैसी पर जोरदार हमला किया। गृहमंत्री ने आशंका जताई कि लोग भारत में कोई बड़ा बखेड़ा करना चाहते हैं और यही कारण है कि कभी 15 करोड़ से कभी 100 करोड़ को लड़ाने की बात की जाती है तो कभी आधे घंटे के लिए पुलिस हटाने की बात की जाती है। और इसके साथ अनिल विज ने सेना से सबूत मांगने वाले मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया। विज ने कमलनाथ के उस बयान पर तीखी टिप्पणी की जिसमें कमलनाथ ने सर्जिकल स्ट्राइक के एक बार फिर से सबूत मांगे थे। और वहीं शाहीन बाग वार्ता के 2 बार विफल होने पर भी गृहमंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शाहीन बाग के लोगों को सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने आप सड़क खाली कर देनी चाहिए। विज ने कहा कि उन्हें लगता है कि धर्म के नाम पर और ये जो एजेंडा है कुछ और हो सकता है। प्रदेश सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार के गिरने का दावा किया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन की सरकार को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया। हुड्डा ने कहा कि ऐसी सरकारें खुद अपने बोझ में गिर जाया करती हैं। साथ ही कहा कि गठबंधन की सरकार में विचारों की समानता नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शुक्रवार को नारनौंद के 3 गांव का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया, जहां उन्होंने राखी गड्ढी में पुरातत्व विभाग के बनाए जा रहे म्यूजियम का भी निरीक्षण किया। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ पर उन्होंने कहा कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, बीजेपी सबकी राय लेकर बहुत जल्द किसी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप देगी और मैं कार्यकर्ता हूं, मैं किसी भी पद की दौड़ में नहीं हूं। राष्ट्र निर्माण और हरियाणा निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी ने काम की राजनीति नाम से एक अभियान शुरू किया जिसकी शुरुआत फरीदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने की, जिसके साथ इस मौके पर फरीदाबाद से तमाम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना वायरस से लड़ने और जीतने के लिए गुरुग्राम में रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया। आपको बता दें कि यह घर घर जाकर कोरोना वायरस की जांच करेगी, जिसके लिए हेल्थ विभाग की टीम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और अगर किसी व्यक्ति को परेशानी होती है या फिर कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें तो वे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी दे सकते हैं ताकि टीम मौके पर पहुंचकर उनकी जांच कर सके। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो अभी तक लोगों ने हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके सहायता मांगी है। आंसी के नवनियुक्त एसपी लोकेंद्र सिंह ने नारनौंद थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नशे की ओर रोकने, चोरी और डकैती के गैंग पर पाबंदी लगाने, अपराध, महिला अपराध और साइबर क्राइम को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। और वहीं उन्होंने कहा कि कुछ कमियां हैं जो वो जल्द ही सुधार ली जाएंगी और अपराध को रोकने के लिए स्पेशल टीम बनाई जाएगी। इस मौके पर एसपी ने जनता से अपील भी की और उन्होंने कहा कि लालच में आकर कोई भी सामान ना खरीदे। साथ ही बताया कि जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि एसपी लोकेंद्र सिंह ने सोमवार को ही पदभार संभाला और पदभार संभालते ही उन्होंने अलग अलग थानों का औचक निरीक्षण किया है। हांसी जिला पुलिस के नवनियुक्त एसपी लोकेंद्र सिंह ने नारनौंद थाने समेत कई थानों का औचक निरीक्षण किया और अपराध को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां मिली हैं, लेकिन उनको सुधारने के लिए तत्परता बरती जाएगी।
और वहीं एसपी ने बताया कि नशा रोकने, महिला अपराधों को रोकने, साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिन पर अमल करते हुए अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपराध को रोकने के लिए स्पेशल टीम गठित की गई। फरीदाबाद के अग्रवाल पब्लिक स्कूल और शराब कारोबारी देवेंद्र गुप्ता के घर, स्कूल और सभी ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। आपको बता दें कि बुधवार को आयकर विभाग ने सभी ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें कि कार्रवाई गुरुवार रात देर तक गई और इनकम टैक्स की रेड जहां भी की गई वहां भारी पुलिस बल अधिकारियों के साथ मौजूद रही। छापेमारी के दौरान विभागीय अधिकारियों ने स्कूल कॉलेजों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन अपने पास जमा करवा लिए थे। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ कि छापेमारी क्यों और किस उद्देश्य से की गई। भवानीखेड़ा के कुंगड़पुर सिवाड़ा मार्ग पर पिछले कई सालों से छात्राओं के लिए बसों की समस्या बनी हुई है। कुंगड़पुर सिवाड़ा मार्ग पर बनी रोडवेज बसों की समस्या की शिकायतें कॉलेज के छात्र छात्राएं कई बार परिवहन विभाग और हलका विधायक और मुख्यमंत्री से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। भवानीखेड़ा में पढ़ने वाली सैकड़ों कॉलेज छात्राएं अपनी मांगों को लेकर रोड जाम भी कर चुकी हैं, लेकिन वहां भी विभागीय अधिकारियों को आश्वासन मिला है और इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाए हैं। छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना बसों में सफर कर रही हैं। भिवानी की अनाज मंडी में देर रात गन पॉइंट पर दो युवकों ने अनाज मंडी के व्यापारी से 15,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। व्यापारी नरेश अनाज मंडी में खल बिनोले बेचने का काम करता है और वहीं पीड़ित ने बताया कि वो अपनी दुकान में बैठा था, तभी दो युवक आए और एक ने बंदूक तान ली और दूसरे ने दुकान से पैसे निकालकर अपने बैग में रख ली। चौकी प्रभारी सुरेश ने बताया कि सीसीटीवी की फुटेज देखी गई है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। गोहाना के रुखी गांव में 2 जनवरी को ही देवेंद्र की हत्या मामले में बड़ौदा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बता दें कि गांव के ही रहने वाले संदीप और बेदू से मृतक के परिवार के साथ पिछले कई सालों से दुश्मनी चली आ रही थी और जिसके चलते संदीप और बेदू ने देवेंद्र की हत्या की साजिश रचते हुए 1,50,000 में उसकी सुपारी दे डाली। पुलिस ने हत्याकांड में साजिशकर्ता संदीप और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर दोनों को अदालत में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। यमुनानगर में नशा तस्करों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला यमुनानगर के ही दुर्ग गार्डन से सामने आया, जहां एक युवक को नशा मुक्ति अभियान चलाना इतना महंगा पड़ गया कि नशा तस्करों ने युवक पर ही जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। और वही नशा तस्करों ने मोहित नाम के युवक के अटल सेवा केंद्र में जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने अटल सेवा केंद्र के बाहर खड़ी एक एक्टिवा को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। हमले की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल मोहित ने युवा साथियों के साथ मिलकर प्रशासन से अवैध नशे को रोक लगाने की मांग की थी। फिलहाल पुलिस ने मोहित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राई के पास सोनीपत बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे के हालात देखकर वाहन चालकों में रोष बना हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को बरसात के बाद स्टेट हाईवे पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति आज भी ऐसी ही है। वाहन चालकों का कहना है कि उन्हें हाईवे से गुजरते वक्त करीब कई रुपयों का टोल टैक्स देना पड़ रहा है, फिर भी उनकी परेशानियों का कोई हल नहीं निकल रहा। लोगों का कहना है कि सड़कों के बीचों बीच गड्ढे होने की वजह से यहां हर रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। दुग्राम के सेक्टर 40 के मेन मार्केट में पिछले काफी वक्त से अवैध रूप से चल रही क्लिनिक पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां से एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी बरामद की गई है। बता दें कि इस मशीन के साथ तमाम उपकरण जो कि क्लिनिक में मौजूद थे, उन्हें देखकर ये संभावना जताई जा रही थी कि इस क्लिनिक में अवैध रूप से लिंग जांच की जा रही थी और इतना ही नहीं, इस क्लिनिक में गर्भपात करने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। छापेमारी के दौरान एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, जबकि डॉक्टर फरार भी हो गया। नारदौल में जमीनी विवाद के चलते 30 से 40 लोग जबरन एक घर में घुस गए और एक महिला के घर में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही सारा सामान उठाकर ले गए। बता दें कि जब महिला के घर में दबंग तोड़फोड़ कर सामान जबरन गाड़ियों में भर रहे थे, तो उसी दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि यहां पर वो किराए पर रहती है, लेकिन एक भील नामक युवक कुछ लोगों के साथ उसके घर आए और सामान उठा कर ले गए। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने बताया कि उन्होंने महिला हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया।
और वहीं जब हरियाणा न्यूज ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वो इस मामले से बचते ही नजर आए। बता दें कि जिला प्रतिनिधि और जिला पार्षद विनोद भीम की महिला के घर कब्जा करने पहुंचे थे। नानौल के जिला कारागार में कैदी ने खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई जो कि गोद गांव का रहने वाला था और वहीं मृतक ने खुदकुशी से पहले सुसाइड नोट भी लिखा है। हालांकि अभी तक मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल पूरे इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पलवल में एक महिला को नशीला पेयजल पिलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पलवल महिला सेल प्रभारी सविता रानी ने बताया कि पीड़िता ने 10 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी और बताया कि आरोपी ने यूपी मथुरा में बुलाकर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान उसने पीड़िता का वीडियो भी बना लिया। आरोपी वीडियो को वायरल करने का डर दिखाकर पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसके पति को मार देगा। महिला चुपचाप बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया तो उसने पुलिस को मामले की सूचना दी। मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। फतेहाबाद पुलिस की सीआईए टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि पुलिस ने धान से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को लूटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि 3 आरोपी गांव अयालकी और 1 आरोपी गांव देहमन का रहने वाला था। भिवानी के गांव लोहारू जाटू में सरपंच ने एक महिला के साथ मारपीट की और उसके घर में तोड़फोड़ की। दरअसल महिला और सरपंच का कई दिनों से विवाद चल रहा था और वही बीते दिन महिला और सरपंच में बहस ज्यादा हो गई, जिसके बाद सरपंच ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के परिवार के साथ और महिला के साथ जमकर मारपीट की। बता दें कि सरपंच ने रात में ही पंचायत बुलाकर महिला के परिवार को समाज से बहिष्कार करने की बात कही, जिसके बाद महिला और उसके पूरे परिवार को उसके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। सूचना मिलने पर पहुंची लेबर क्रांति मोर्चे ने महिला के परिवार की नजरबंदी से मुक्त कराते हुए उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया। इसी के साथ क्रांति मोर्चे का कहना है कि अगर जल्द सरपंच के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह सरपंच के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। रोहतक की पहलवान पिंकी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला किलोग्राम फाइनल में मंगोलिया की डुलगुन बोलेरमा को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पिंकी ने केडी जादव इंडोर स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में बोलेरमा को हराया। पिंकी ने पहले दौर में उज्बेकिस्तान की शाकिदा अखिमादोवा को चित किया और अगले दौर में जापान की काना से हार गई। पिंकी ने इसके बाद सेमीफाइनल में मेरिया जुरोवा को शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। पिंकी का कहना है कि मेरा लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करना और देश और प्रदेश का नाम रोशन करना है। करनाल के नेवल में पकौड़ी की रेहड़ी लगाने वाले बलविंदर के पास पानीपत सेल्स टैक्स की ओर से 9 करोड़ रुपए टैक्स भरने का नोटिस आया हुआ है और इससे पहले भी उनके परिवार के पास कई नोटिस आए थे। नोटिस के बाद से पूरा परिवार परेशान हो उनका रो रोकर बुरा हाल है। इस पूरे मामले को लेकर जब सीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जब सरकार ने 2017 में जीएसटी बिल लागू किया था तो बहुत सारे लोगों ने फर्जी कंपनियां बनाकर टैक्स चोरी करने की कोशिश की और बहुत से ठग लोगों ने किसी और के कागजात लगाकर कंपनी खोली ताकि जो फर्जीवाड़ा किया जा सके वो बच सके। करनाल और पानीपत के करोड़पति कारोबारियों ने लोन दिलवाने के नाम पर रेहड़ी वालों, पकौड़े वालों और सब्जी वालों के नाम पर फर्जी कंपनियां खोल दी और गरीब लोगों को लोन तो नहीं मिला पर हाँ बड़े बड़े नोटिस जरूर मिल गए हैं। करनाल में एक सब्जी विक्रेता को 9 करोड़ का नोटिस दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना था कि पिछले साल पानीपत और करनाल में जीएसटी फ्रॉड के कई मामले सामने आए थे और कई लोगों ने नकली फर्में बनाई थी और उसको लेकर सख्त कार्रवाई हुई थी और इसमें भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसमें कोई भी निर्दोष होगा तो उसे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी।